بسم الله الرحمن الرحيم. जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है, जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है, रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है, कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है, सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने, शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था, शैतान सजदे का इनकारी हुआ, एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा हदीसियों सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है और आराम से कह कहे लगाता है और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ, जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर ये भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया, 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है, क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं है, क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है, क्या जहन्नम की आग भूल गए, क्या जहन्नम के अजाब भूल गए, क्या जन्नत की नेमतें भूल गए, वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हो। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता, कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है, ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते।